कुछ चटपटा खाने का तो शाम के चाय के साथ बनाए कुछ टेस्टी सा। तो इस तरह से बनाए पापड़ से ढेर सारे कुरकुरे जो घर पे बनके तैयार हो जाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी पूरा वीडियो जरूर देखो। आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं पापड़ से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो अगर शाम की चाय पीने आप बैठे हैं तो उसके साथ कुछ चाहिए खाने को पर टाइम नहीं है तो इस तरह से आप रेसिपी बना सकते हैं जो मिनटों में तैयार हो जाएगी और चाय के साथ आप मजे लेके इसे खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है पापड़ और अब यहाँ पे हम एक पानी गरम कर लेंगे। तो ये पानी अभी शीत गरम है तो इस पानी को ज़्यादा गरम नहीं करना है, लो मीडियम पे ही इसे गरम करना है। तो अब देख लेते हैं, हाँ ये एकदम परफेक्ट गरम है, ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है, बुलबुले भी इसमें नहीं आनी चाहिए। अब इसमें हम पापड़ को डाल देंगे। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हमें गैस को बंद कर देना है। अब पापड़ को हम इससे निकाल लेंगे पानी से। तो पापड़ को ज़्यादा टाइम पानी में नहीं रखना है, इस तरह से पानी को एक्स्ट्रा निकाल के हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह जो पापड़ हैं हम दोनों को साथ में डाल देंगे। अब पानी में अच्छे से इसे हम डीप कर लेते हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लेट में रख लेंगे पापड़ को और इसको थोड़ा सा बस पानी इसका सुखाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा पानी था देखिए निकल गया है और अब हम इसे अब पापड़ को इस तरह से हमें चाकू से काट लेना है। देखिए इस तरह से हम थोड़ा छोटा भी कर लेंगे। और इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा चटपटा लगता है। तो आप इसे चाय के साथ खाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। इस तरह से पापड़ को हमें रोल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी फोल्ड कर लेना है। तो अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी जो पापड़ हैं इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी को बना लिया है, अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे एक एक करके और सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम और भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इसे थोड़ा लाल होने तक ही पकाएं, नहीं तो अंदर कच्चा भी रहता है कभी कभी पापड़। तो यहाँ पे हमने सभी को निकाल लिया है। अब पापड़ को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे जीरा पाउडर। अब और भी इसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पापड़ में ऑलरेडी नमक होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा नमक खाने का शौक है तो आप इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अगर आपको जो मसाले और पसंद हो तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम के चाय के लिए हमारा चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। कितने जल्दी कितने आसान तरीके से शाम के नाश्ते के लिए ढेर सारे स्नैक्स बनके इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो शाम को जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस तरह से आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इंजॉय करें इस रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।